नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के जसपुर में नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां केंद्र सरकार द्वारा देश में सभी जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिला ऊधम सिंह नगर के जसपुर की नगर पालिका की हालत बहुत दयनीय है। प्लास्टिक शौचालयों को उचित स्थानों पर न रखकर इधर उधर रखकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने देश में लोगों से अपील की खुले में शौच न जाए, उसी के तहत शहर और गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जसपुर नगर पालिका को केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए शौचालयों की दयनीय स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि शौचालयों में लगे पानी के टैंक में न ही जल भराया गया और न ही उनकी सफाई व्यवस्था के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जसपुर क्षेत्र में शहर में कई जगह जमा ये कूड़े के ढेरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति शहर की होगी। जसपुर नगर पालिका सफाई को लेकर ये नहीं, हर चीज को लेकर बिल्कुल पिछड़ी हुई है। और जो नगर पालिका के अध्यक्ष और ईओ हैं और ठेकेदार समस्त सभी लोगों की जो मिली भगत है, मुश्किल से 20% पैसा भी जनता हित में नहीं लग रहा है। उनमें ना कोई सफाई है ना ही कोई उनको इस्तेमाल करता है। जो व्यवस्था है भी तो वो लाइटें जलती नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है लाइटों की, मैं नगर पालिका से कहूँगा कि शीघ्र अति शीघ्र जो फंड आता है वहाँ पर लाइटें लगवाएं। जो नगर पालिका बोर्ड होता है वो स्वतंत्र बॉडी होती है, और जो सभासद और चेयरमैन और कर्मचारी मिलते हैं इस व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास करें। अभी पिछली बार भी अभी मैंने इसका मुद्दा उठाया, जब इन्होंने 3 दिन यहाँ कूड़ा नहीं उठाया, केवल डीजल की बंदरबाज के चक्कर था, और मैंने शहरी विकास सचिव को भी फोन किया, तब जाके वो उसका कूड़ा उठा। हमारे जसपुर की जो नगर पालिका की व्यवस्था है वो सुचारू नहीं, क्योंकि जब तक बोर्ड में बैठ के जो चर्चा होनी चाहिए, जब भी मैं बोर्ड की बैठक में गया हूँ तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कोई बाजार लग रहा है, मतलब विधिवत नहीं होना है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अभी आपने बाजार में देखा होगा एक नाले को तोड़कर उस पर लिंटर का प्रावधान बनाया है इन्होंने। अब उसमें इन्होंने जो टेंडर किया है वो ऊपर की बाउंड्री बनाकर उस पर लिंटर डालते हैं, अगर उसमें भारी वाहन गुजर गया क्योंकि उसके नीचे की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं होगी, तो बिना सोचे विचारे किसी काम को करें, तब तक के बाजार की मेन रोड है। सोच अच्छी है, रास्ता चौड़ा हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कोई घटना घट जाए। तो इस तरह कई चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारा शहर जो आज से 30 साल पहले था वो आज भी शहर की स्थिति वही, उसमें कोई सौंदर्यकरण की व्यवस्था नहीं की, कोई पार्क का सौंदर्यकरण किसी नगर पालिका ने नहीं किया। 4 साल हो गए मैं अब्दुल कलाम पार्क है उसके लिए मैं कहता रहा कि भाई उसका सौंदर्यकरण करिए, लेकिन सर नगर पालिका उसका बजट पास नहीं करेगी। अब बता रहे हैं करेंगे, हर बार आश्वासन करेंगे, तो ये स्थिति नगर पालिका। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।